हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ रीजन था, इसके वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा था। और आज का दिन स्पेशल वन, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है 23 और 24 को है अभिषेक का बर्थडे, यानी कि कल। तो अभी है 23 जून और 24 जून को है अभिषेक का बर्थडे, तो जो कि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड साथ ही साथ हम लोग उसका बर्थडे को कोशिश करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाने का। तो अभी मैं सो करके उठा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा फेस इस टाइप का लग रहा होगा देखने में, बट कोई नहीं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इधर मस्त प्लान वलान करना है, अभी दिन हो रहा है, पूरा प्लान वलान करना है कि किस तरीके से अभिषेक का बर्थडे को स्पेशल बनाना है ताकि वो याद रखे। इसलिए मिलते हैं। और सबसे बड़ा बात कि आई बटन में मैं पिछले वाला अभिषेक का बर्थडे का ब्लॉग का जो लिंक है वो दे दूंगा, उसे जाकर के ज़रूर देखना। बाय। और गैस, आप ये देख सकते हो, ये है दुबई का चॉकलेट जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। एंड साथ ही साथ आगे मैं एक और चॉकलेट है ब्लू कलर का, वो भी दिखाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में चॉकलेट नहीं मिलता, लेकिन वहाँ का चॉकलेट का मज़ा ही कुछ और रहता है। और ये आप देख सकते हो भाई, वहाँ का खजूर क्या बड़ा बड़ा रहता है भाई देखने में। एंड साथ ही साथ इसका एक बड़ा एक और दिखाते हैं, और इसके अंदर में पता है उसका जो छोटा सा बिया रहता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अभिषेक के लिए हम लोग ये वाला स्प्रे यूज़ करने वाले हैं आज, जो कि मैं दो लेकर के आया था। एंड ये वाला एक स्प्रे यूज़ करेंगे, एंड साथ ही साथ उसका केक। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने के लिए, हम और यहाँ पे है रितेश। और जल्दी से केक लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा केक ले रहे हैं अभिषेक के लिए। और सबसे बड़ा बात गाइस कि आज रात है, तो ज़्यादा केक लेंगे क्योंकि वेस्ट हो जाए, इसलिए छोटा ही केक लेंगे। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और अभी रात का बज रहा है 10:39, और अभिषेक उधर बात कर रहा है। तो केक हम लोग लेकर के आ गए हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको केक दिखाता हूं, या रहने दो, मैं उसी टाइम आपको दिखाऊंगा। गजब बेइज्जती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे स्प्रे छुपा दिए हैं हम लोग, ठीक है। बस हम लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं सोने का। जैसे ही सोएगा 12 बजेगा, एक बेल्ट निकालना है और केक काटना है, और पहले तो दम भर सुटियाना है और उसके बाद बात होगा। चलिए मिलते हैं थोड़े देर पे। हुआ क्या कि हम लोग केक तो ले लिए, लेकिन कैंडल लिए नहीं, इसलिए अभी 12 बजने वाला है और अभी हम लोग जा रहे हैं कैंडल लेने के लिए दुकान से खोल के। अभिषेक के लिए ये वाला कैंडल हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि छोटा कैंडल मिला नहीं, इसलिए कोई भी नहीं, बर्थडे मनाना है कैसे भी मनाएं, हम लोग जल्दी से बंद करते हैं दुकान। तो भाई, फाइनली हम लोग अभी तैयार कर चुके हैं, और उधर में पता है अभिषेक सो गया है, तो जल्दी से जाएंगे। अभी 12 बजने में मात्र 5 मिनट बचा हुआ है, और अभी रितेश यहाँ पे लिख रहा है, ये जितना भी है सब देसी जुगाड़ है गाइस, जनता माफ नहीं करेगी। मैटर ये नहीं करता है कि आप किस तरह से बर्थडे मना रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप दिल से बर्थडे मना रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भाई यहाँ पे अभी मतलब तैयार कर रहा है, ये हम लोगों का केक, ये है कैंडल, और यहाँ पे है माचिस, और ये रहेगा अभिषेक को तोड़ने के लिए। और एक चीज और जो कि लेना है हम लोग को, बेल्ट अभी हम लोग खोज रहे, जल्दी से बेल्ट मिलता है उसके बाद बात करता। तो रितेश, एक्साइटेड है ना तुम? बहुत। चलो भाई, जल्दी से पहले अभिषेक लिए यहाँ पे लिखेगा, जल्दी से बना भाई तू। अब हम लोग ले करके जा रहे हैं। भैया भैया चलो आओ आओ। अरे बाबा, अभिषेक का बर्थडे है, विधि बर्थडे, मजा आया केक काटने। और यहाँ पे अभिषेक सोया हुआ है, और अभी यहाँ पे 3 मिनट बचा हुआ है गाइस। अभी सो गए तुम? उठो भाई जल्दी से, रो उठो, जल्दी से उठो। अब ओह, बेल्ट का जुगाड़ करना होगा, और हम लोग फाइनली तैयार हो चुका है सब। रुक जा, बेल्ट लाना होगा, एक बेल्ट खोज जल्दी से यहाँ पे। हाँ ये हाँ, देखे नहीं लगेगा, मारेगा तो और कुछ जुगाड़ मारने के लिए।
जुगाड़ी छुपा के रखा, बहुत तेज है गाइस ये, बहुत तेज। हाँ, रितेश ले मिल गया। निकाल इसको। हेलो गाइस, शेल्टर। भाई 2 मिनट बचाओ अभी से एक, ठीक है? पहले देख लीजिए इसका फेस आप। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रमेश। ताली मारो यार। यहीं पे मारेगा रितेश। चलो, थैंक यू सबको, थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो बेस्ट पार्ट है वो मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड बेसिकली मेरा एग्जाम होने वाला है रेलवे का, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अभी ज़्यादा बिजी, इसलिए प्रॉपर तरीका से ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को रेगुलर रहूँगा। बाय।